नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां देखिए बदमाश और लुटेरों और चोरों पर किस प्रकार शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ताजनगरी आगरा पुलिस भी लगातार बदमाश और चोरों पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है और लगातार चोरों के पैर में बदमाशों के पैर में गोली मारती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं ताजनगरी आगरा को बदमाश भी खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं, आए दिन दुकान मकानों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सोमवार देर रात का थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव भांडे का है। गांव भांडे में एक बार फिर चोरों ने दस्तक दी है। चोरों की आहट के चलते ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया है कि बदमाशों की आहट पिछले 8 दिन से लगातार देखी जा रही है। आए दिन मकानों के ताले तोड़ रहे हैं और पीछे से सेंध लगाकर चोरियों की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसके बावजूद लगातार 8 दिन से गांव भाड़ने में बदमाशों की आहट के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वह रात रात भर जागकर गांव में रखवाली कर रहे हैं। वहीं खेतों पर पशुओं की रखवाली के लिए, फसलों की रखवाली के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते गांव में भय का माहौल है और उन्होंने थाना मलपुरा पुलिस से गश्त की मांग की है। उनका कहना है कि गांव में पुलिस को गश्त करना चाहिए ताकि किसान अपनी फसलों और अपने मकान को बचा सके। देखिए क्या कुछ कहना है ग्रामीणों को, किस प्रकार गांव में भय और क्या कुछ कहना है ग्रामीणों को, जानिए ग्रामीणों की जुबानी हमारी खबर के माध्यम से। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पुलिस प्रशासन तक यहां के ग्रामीणों की आवाज पहुंच सके और इन्हें न्याय मिल सके। तो जानिए ग्रामीणों की जुबानी गांव भांडई की दहशत भरी कहानी। हमारे गांव में मामला तो यह है कि रात और दिन चोर आ रहे हैं और चोरियां भी हुई हैं हमारे गांव में भांडई में। कल भी आए थे, कल 29 तारीख थी, कल भी आए थे और रात को हम जगते भी रहते हैं, कुत्ते भी लगते रहते हैं और एक दूसरे के पास फ़ोन भी करते रहते हैं और पास गांव में भी बताते रहते हैं। हमारा गांव है बाड़ई और पल्ली पार हैं, झोंपड़ी हैं, ककुआ भी है, टोरा भी है, कई गांव हैं, फोन आते रहते हैं। चोरी वोरी भी हुई है किसी के यहाँ? हाँ, दो तीन जगह चोरी हुई है, दो तीन घरों में चोरी हुई है, पर उनके घरों में कुछ निकला नहीं है। और 29 तारीख को आए थे, रात को आए थे, ऐसे आए थे तकरीबन 11 बजे आए थे। पुलिस वुलिस गश्त देती है? नहीं देती है, पुलिस आती है ना और चली जाती है, फिर एक आध दो गश्त सूचना करते हैं तब आती है पुलिस, सूचना करते, वैसे गश्त नहीं करती। और पुलिस तो आए। हाँ जी, आप बताइए। गेहूँ की खेती है, गेहूँ खोत में गेहूँ बाल आ गई है, अब जो बिजार है, गाय है, आतंक वो भी मचा रहे हैं। आप उधर रखवाली के लिए चले जाते हैं? रखवाली करने भी नहीं जा रहे हैं इनके डर से, चोरों के डर से, चोरों के डर से रखवाली भी करने नहीं जा रहे हैं। क्या कर, क्या मांग करते हो फिर आप, क्या चाहते हो? हमारा तो सरकार से निवेदन है कि पुलिस की गाड़ियों को हमारे गांव के चारों तरफ छोड़ा जाए, गश्त होनी चाहिए, या जिनके लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस दिया जाए। चलो ठीक। हाँ जी बताओ, क्या मामला है तुम्हारे गांव में? बदमाश रोज आ रहे हैं, सोने नहीं देते, बड़े बूढ़े आदमी में बहुत परेशान है। तो चोरी वोरी भी हुई है किसी के घर पर? अरे अड्डे बड्डे फेंकते सारे रात को, तब मुड़े पर जाए तो मर जाएगा नहीं। अच्छा, ईंट और अड्डे फेंकते हैं वो घरों में रात को? अच्छा, चोरी वोरी भी नहीं हुई किसी के घर? चोरी का हो, चोरी तो कर लेंगे, सो जाएंगे तो। रोटी भी नहीं खाने। ये सूचना मिली है, ताला वाला तोड़ा, किसी ने कुंडी उंदी काटी थी, दीवाल वीवाल भी फोड़ी है। हम राम वाले रात भी दे रहे हैं ना, रात में पहरा भी देते हैं गांव वाले। अच्छा, रात को पहरा भी देते हैं? रात को गांव वाले पहरा दे रहे हैं, सो नहीं रहे, गोलियां भी चल रही है इस समय हमारे गांव के कुत्ते। हाँ जी, क्या मामला है तुम्हारे गाँव में? हमारे गाँव में भाड़ई में चोरों ने आतंक मचा रखा है, शाम होती है और वो साइड से सटक लेते हैं, बिल्कुल गांव में धाँधों गोलियों की आवाज गूंजती है। चोरी बोरी भी हुई है किसी के घर पर? पांच चार घरों में चोरी हो चुकी है। ताला वाला तोड़ा है या दीवाल वीवाल फोड़ के चोरी हुई है? दीवाल भी तोड़ी है, ताला भी तोड़ा है, ADA का पैसा आया नहीं है, चोरों ने आतंक पहले से मचाना शुरू कर दिया है। क्या करें, गाँव भांडे वाले बहुत परेशान है इस समय। पुलिस से भी अनुरोध करते हैं, सरकार से निवेदन है कि या तो हमारे यहाँ पर पुलिस का पहरा बढ़ाया जाए। चलो ठीक, और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।